दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में सही सलामत हैं। तो दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो दिया था, मैं एकदम साधारण आदमी मिस्त्री बनकर डेटो लगाया था, आपने देखा होगा। अगर ना देखे तो एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है ये, गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में मैं कितना लाखों रुपया बचाया हूँ और आप लोगों को मैं उसका जीता जागता प्रूफ शेयर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये, क्योंकि कभी भी अगर आप भी बिल्डिंग बनाएंगे टाइल्स पत्थर ठीक है ना लगा के, तो आपका ये टॉपिक आपको बहुत सारा काम आएगा और आपको नॉलेज होना भी जरूरी है। नॉलेज अगर नहीं होगा आपका दुगुना तीन गुना पैसा भी लग सकता है, मिस्त्री आपको डुबा सकता है ठीक है ना, अगर मिस्त्री के कहने पर वो काम करेंगे तो ये नॉलेज मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपका काम आएगा। दोस्तों और एक प्रूफ मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारा पुराण जो धर्म ग्रंथ है उनमें है ना, राम सीता लक्ष्मण जब जंगल गए थे वो तो भगवान था, वो अगर चाहता तो तथास्तु बोल के हाथ ऐसे दिखा के वो मकान बना नहीं सकता था क्या? बना सकता, लेकिन बनाया नहीं। क्या किया? वही बांस लकड़ी से खुद का घर खुद बना के रहा करता था है ना। दूसरा एक प्रूफ मैं बताना चाहूंगा, पंचो पांडव महाभारत में पांचों मिलकर अपना वही बांस लकड़ी से मकान बना के रहा था, कृष्ण भगवान भी उसमें आया करता था। तो सोचिए खुद का मकान में खुद काम करेंगे उसको आनंद ही अलग है। तो ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में मैं इतना कर पाया, मेरा जीवन सफल हो गया। आपका बहुत पैसा बचेगा ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो। मिस्त्री का बातों में मत आइए, खुद का मतलब ब्रेन भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो पंखु बनाने का फॉर्मूला दिया हूँ इस वीडियो में फिर दोबारा थोड़ा सा बना के देता हूँ, सेम फॉर्मूला में पंखु बनाइए। बहुत मतलब अगर आप बिल्डिंग बना रहे लाखों रुपया बचेगा, खुद का बिल्डिंग में ये सेम काम करके मिस्त्री से एक्सपर्ट आप हो सकते हैं। और दूसरा एक रीजन है, ये टॉपिक अगर कोई मिस्त्री बनने के लिए सोच विचार से देख रहा है वो मिस्त्री भी बन सकता है। मैं लाइफ में पहली बार किया हूँ इतना फिनिशिंग। चलिए आपको लाइव दिखाते हैं, आज टाइल्स में वो बोरफी लगाऊंगा। टाइल्स लाते लाते थोड़ा टूट गया था, टूटा हुआ टाइल्स मैंने फेंका नहीं हूँ, लगा के उसमें बर्फी बिठाया। सबसे पहले मिस्त्री एक दिन किया था, मैंने देखा दिमाग में सेव करके रखा था, दूसरा दिन मिस्त्री से अच्छा करके दिखाया। चलिए लाइव अभी बैक कैमरा में जाकर मैं ये ड्रेस खोल के लेबर बन के मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ये चैनल का मूल मकसद है योर हेल्थ एंड वेल्थ केयर मैनेजमेंट प्लान। और चौथी मंजिल के ऊपर इतना अपडेट आने वाला है दोस्तों। आज हमारे पास एक दोस्त आए हैं, उनको लाइव दिखाऊंगा। थोड़ा दोस्तों को थोड़ा फेस दिखाइए। हाय, हाँ कैसे अपना अपना हो? नाम एड्रेस बता दीजिए, कहाँ से आए हैं। मेरा नाम बुआई वर्मन है। मैं कुछ बार से फॉर्म मानतोष पल्ली, मैं उधर से आया हूँ सर के पास अपना कुछ एक्सपीरियंस लेने के लिए। सभी बने रहिए, देखिए हमारे साथ लाइव। ओके चलिए अभी बैक कैमरे में जाते हैं और काम थोड़ा सीख लेते हैं। सीखने में कोई हर्जी नहीं है, लाज भी नहीं है, सीखकर हम पैसा भी बचा सकते हैं। ये सेव अगर आप कर पाएंगे वेल्दी बनेंगे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज हो जाएगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो। चलिए अभी बात को ना बढ़ाते हुए बैक कैमरा में चलिए दोस्तों ये बोरफी लगाना सीखते हैं। मैं शेयरिंग कर रहा हूँ एकदम इजी तरीका, कोई मिस्त्री बनने का जरूरत नहीं है, मैं भी मिस्त्री हूँ नहीं, लेकिन मैं खुद करूँगा। देखिए इसका सबसे पहले आपको एक फीता चाहिए टेप, इसका टूटा हुआ कितना साइज है वो देखना पड़ेगा। वहाँ से लास्ट एकदम मोड़ पे यहाँ पे है 4 इंच और इधर है 4.5 इंच। मैं इसी लंबाई में बर्फी बनाऊंगा, उसके बाद ये बर्फी काटिंग भी दिखाऊंगा, साथ में रहिए। देखिए दोस्तों इसमें ये डीप कलर का ये टाइल्स मैं लगाऊंगा कटिंग करके। ये मार्किंग पेन चाहिए आपको ठीक है, मार्किंग करने के लिए आप ये कोनी से भी मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्कर से करूंगा। अभी देखिए इसका मैं साइज थोड़ा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 5.5 है और इधर 4 वाला कटिंग करके लूंगा। ऐसे मैं मार्किंग करके बर्फी बना के कटार से अभी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ टेक्निक जानना है और कुछ नहीं है। 4 बाई 4.5 का एक स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद कोना को कटिंग करेंगे, बर्फी बन जाएगा ठीक है ना। ये भी बनाते हैं, आप साथ में रहिए। देखिए दोस्तों मैं ये मार्किंग पेन से इसको पहले इधर 4.5 है, 4.5 इंच और इधर 4 इंच, इसको मैंने किया किया इसका सेंटर किया, इस तरफ पहले सेंटर को पॉइंटिंग किया अपना टेप से। देखिए ठीक है, पहले इसको सेंटर किया, उसके बाद इसको सेंटर किया, उसके बाद इधर वाला सेंटर कर दिया। ये दो मतलब
4 इंच है तो 2 इंच में सेंटर हो गया, इधर भी पॉइंटिंग करके ये मार्किंग बना लिया तो बर्फी अभी बनेगा। सिर्फ काटिंग करना है, काटिंग तो ईजी है, अब भी कर पाएंगे, लेकिन सीक्रेट है बर्फी बनाने का। ये तो मतलब बहुत आदमी करते हैं लेकिन ऐसे मुंह में बोलते नहीं है, म्यूजिक बजा के करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं कटिंग करके इसको बर्फी बनाऊंगा और लगाने का तरीका दिखाता हूँ, साथ में रहिएगा। ये नॉलेज होना ज़रूरी है, आपका सपना पूरा होगा, आपका पैसा बचेगा, ठीक है। ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्टर मॉल जो गॉड गिफ्टेड है बनाते बनाते ये सीक्रेट मैंने जाना हूँ, लेकिन कोई मिस्त्री ने सिखाया नहीं। तो दोस्तों अभी कटिंग कर लेता हूँ, चलिए देख लेते हैं। जैसा ना दोस्तों कितना सुंदर कटिंग हुआ है, तो ऐसे ही कर लेते हैं, साथ में रहिए, पुश करके रखता हूँ। दोस्तों भी देखिए बर्फी मैंने बहुत सारा बनाया, जितना टूटा हुआ जगह था, टाइल्स लाते लाते कभी टूट जाता है, वो फेंकना नहीं है। और अगर आपको लगता है मेरा बजट कम है तो कोना ऐसे ही टूटा हुआ टाइल्स भी मिलता है, वो लाएंगे तो आपका सस्ता में अच्छा चीज़ हो जाएगा, लेकिन ये बर्फी लगाना पड़ेगा। बर्फी में मिस्त्री बहुत टाइम ले लेता है, तो ये बर्फी हो गया, देखिए एकदम कोना स्मूथ होना चाहिए, जो ये जो कोन होता है ना ये स्मूथ होना जरूरी होता है, ये एकदम मैचिंग जॉइन के इस तरफ होना चाहिए, सुंदर दिखेगा। और ये मार्कर से मार्किंग कर देना है, इसको बाद में फिर कटिंग करना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक ही हाथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक्चुअली ये पकड़ के करना है, तो ये देखिए पूरा मार्किंग मैं कर दिया। ये देखिए इसको भी कटर से कटिंग करके ये सेनी और हाथुरी से थोड़ा क्लियर करके इसको वो पंखु से भी बिठा सकते हैं, मैं तो पंखु बनाता नहीं हूँ। दो ढक्कन अगर रेती होगा, एक ढक्कन सीमेंट होगा, मैं ऐसा मसाला बना के इसको पूरा करूँगा। चलिए साथ में रहिए, मैं कंप्लीट होते होते आपको दिखाऊँगा। ये एक दूसरा डिजाइन है, यहाँ पे बैठेगा, ये ऐसे बैठेगा, मार्किंग होगा, जैसे जैसे डिजाइन होता है लगाते जाइए, सुंदर दिखेगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा जो ये टूटा हुआ टाइल्स है। तो चलिए मैं ये भी काट के लेता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। देखिए दोस्तों एकदम पूरा कंप्लीट हो गया, एकदम पूरा बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम। सिर्फ आपको सावधानी से ब्लेड से काटना है, साइड भी ना जाए, ये सावधानी से, एकदम इजी है, एकदम कोई कठिन नहीं है, हार्ड नहीं है। ऐसे ही बहुत सारा टाइल्स मैंने लगाऊंगा, जो जितना टूटा हुआ है इधर भी है, ये देखिए ये लगाऊंगा, फिर ये लगाऊंगा। इजी है, अभी मसाला बना के अब तो देखे ही है, मैंने डेटो भी लगा चुका हूँ, ये सारा डेटो। ये नॉलेज लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग का पूरा काम आपको नॉलेज नहीं रहेगा, करना जरूरी नहीं है, नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो आपका जितना बजट देगा ना मिस्त्री लोग, टाइल्स मिस्त्री या राजमिस्त्री जो ये वॉल दीवार बनाता है, राजमिस्त्री, फिर लकड़ी का मिस्त्री, ठीक है, जैसे जैसे आपको बजट देगा डबल भी लग सकता है। अगर मेरा टॉपिक को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट्स करके दोस्तों को शेयरिंग करके ये नॉलेज जरूर एक बार दोस्तों को बताइएगा। तो मैं लास्टली आपको दिखाऊंगा, साथ में रहिए, अभी मसाला रेडी करके लेता हूँ, उसका भी आपको फॉर्मूला देता हूँ। चलिए दोस्तों आपको थोड़ा कटिंग का थोड़ा सीक्रेट भी दिखाते हैं, कैसे काटना पड़ेगा मशीन से, फॉलो कीजिएगा। मैं जो मार्जिन दिख रहा है एकदम बढ़िया से, धीरे से, कोना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एकदम देखिए मैं काट लेता हूँ। एक चीज ध्यान रखिएगा, धीरे मिडिल से शुरू कीजिएगा कटिंग का, धीरे धीरे ब्लेड को दबाते जाइए, कोना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए तो सुंदर नहीं लगेगा। तो एकदम सावधानी से धीरे से इतना ही काटना है। तो अभी साथ में रखिए, मैं एक तो ये मसाला बना के लगाने का तरीका दिखाता हूँ। अभी देखिए मसाला का फॉर्मूला दोस्तों, मैंने मान के चलिए ये एकदम सूखा हुआ रहती है तो कम ही उठेगा, मैं ऐसे ही पास करने देता हूँ। 1 2 3 4 ये है 5, अभी इसमें 2.5 करनी या 3 करनी मैं सीमेंट दूंगा, ठीक है ना। इसमें कम ज़्यादा का कोई बात नहीं है, जो बर्फी बनाया उसको जल्दी पकाना है। और यहाँ पे अगर मैं पूरा सीमेंट देता तो सीमेंट का बर्बादी होता। अभी इसको बढ़िया से मिक्स करके नीचे बनाते हैं, नहीं तो गमला खराब होगा।
बढ़िया से मिक्स करना है सीमेंट और रेती, मतलब जितना रेती देंगे उसका आधा सीमेंट, ठीक है ना। तो सीमेंट भी बचा, पैसा भी बचा और हार्ड भी सेम ही रहेगा, कुंकू जैसे ही हार्ड रहेगा। अभी इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, देखिए एकदम मसाला बनाने का टेक्निक। अभी पानी दूंगा इसमें, थोड़ा सा ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि गीला हो जाएगा तो कहानी मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही आप कितना भी मसाला बनाइए, फार्मूला सेम होना चाहिए। फार्मूला अगर सेम रहेगा उसके बाद कम ज़्यादा कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थोड़ा सा पानी चाहिए, धीरे धीरे हड़बड़ी नहीं करना है, पैसा बचेगा। ये फार्मूला एक बार अपने के देखिए, एकदम पुंकू जैसे ही है बनाना। आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज इतना बिल्डिंग बन रहा है, आदमी लोग वही पुराना फार्मूला लेकर बैठा हुआ है, पैसा बर्बादी हो रहा है। तो मैं सोचा ऐसा एक टेक्निक इसी साल मेरा दिमाग में आया, तो घर का रिनोवेशन करते करते, ठीक है ना। देखिए एकदम कितना ज़बरदस्त पंखु बना है। तभी इसको बाल्टी में ले कर मैं वो बर्फी को लगाऊंगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारा और एक वीडियो दूंगा दोस्तों, साथ में रहिए। जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो ये बिल्डिंग का जितना बोर्ड है ना, ये भी मैंने खुद लगाया, वो भी बनाने का तरीका आपको दिखाऊंगा। आप लाखों रुपया आप बता सकते हैं इसी फॉर्मूला में। चलिए अभी लगाने का तरीका दिखाते हैं। यहाँ पे अभी ये जो मैंने अभी कोई भी बना के लाए हैं, इसको घुसाऊंगा। ऐसा देना है सिर्फ इसको, मतलब पकड़ में, मतलब टासिंग में रहे, बस काम बन जाएगा। तब तक ठोकते रहे ना इसको, एकदम चारों कोना ऐसे ही लेवल, आपको लेवल देखना है एकदम। हाथ में लगाते ही समझ में देखे, अब सूखा कपड़ा से मुंह साफ कर दीजिए, देखिए कितना सुंदर बन गया, एकदम लेवल है चारों। एक कोना में फॉलो कीजिए, एकदम लेवल है। तो हो गया काम, इतना सा काम मिस्त्री लोग करके, मतलब मकान मालिक को बुद्ध बनाता है। इधर भी है, मैं सब अभी करूँगा, ये सारा रेडी करके लिया, ठीक है। अभी लगाने के बाद दिखाता हूँ, अभी दिखा के लाते हैं मिस्त्री का लगाया हुआ। ये देखिए इस रूम में मिस्त्री ने काम किया, कितना गलत किया है देखिए। ये चलता उठ गया, यहाँ पे ज़्यादा काटा है, ठीक है ना, इधर भी ज़्यादा काटा है, इसको भी सेम, इसको भी सेम। मैंने देखा था ये कैसे किया था, ये देखिए ये उल्टा कर दिया, इसको ऐसे ही देना था स्क्वायर मिला के, ठीक है ना। पैसा गया मेरा, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दिया। ये देखिए कोना नहीं मिला, ये देखिए कितना ज़्यादा काट दिया, एकदम क्लोज करके दिखाऊँ, देखिए ज़्यादा काटा है, ये ज़्यादा काटा है, ये सुंदर नहीं बना। ये देखिए ये इसको बर्बाद कर दिया, ये कलर हट गया, यहाँ से चलता उठ गया, ज़्यादा काटा, ज़्यादा काटा। देखिए मिस्त्री लोग पैसा लिया लेकिन बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी तो ये तोड़ के किया नहीं जा सकता, फिर मेरा मतलब डबल पैसा जा गया, तो चलिए मैं एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों मैं ये देख कर मैं सोचा ये इतना सा काम ये लोग ऐसा करके आदमी को बुद्ध बनाता है। तो तब से मैंने ये जितना डेटो आप देख रहे हैं, ये डेटो मैंने लगाया सारा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को इसी अवेयरनेस देना था, और अगला वीडियो में रहिए साथ। मैंने ये सारा जो स्विच बोर्ड है इसका लगाना दिखाऊंगा, यहाँ पे स्पीकर भी है, गाना होता है स्विच देते ही। आपको पहला का वीडियो में अभी जानकारी दिया था, तो ये वायरिंग सिखाऊंगा अगला वीडियो में, साथ में रहिए। देखिए आप बोलेंगे ये काम सीखने से हमारा वेल्थ बचेगा ना। आप जब ये घर का खुद का काम खुद जानकारी ले पाएंगे, खुद करेंगे, तो आपका पैसा बचेगा ना। तो ये वेल्थ कमाने का एक तो ये भी एक जरिया है। तो तभी मैं हेल्थ के साथ वेल्दी बनने का बहुत सारा नॉलेज शेयर करता रहता हूँ दोस्तों। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो अगला वीडियो में जरूर मुलाकात होगा। थैंक यू, आप लोग का दिन बहुत बहुत शुभ रहे।